फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंकते। क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुण पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया, इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुण पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए 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 जोड़ जोड़ के मर गया, उठा। राम नाम, अरे बोलो तो सत्य है, राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले, और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ 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 जोड़ो जोड़ो, 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, एक एक रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा, उठा, खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के क्या, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले, अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा उठा। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं, दादा कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है, इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी हो तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो, का मतलब आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या मतलब? क्या मतलब? नामदेव जी का चरित्र सुना? नामदेव जी, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नामदेव जी के घर में से गद्दा वगैरह चटाई वगैरह निकाल ली, थोड़ी किताब, नामदेव जी आए, उन्होंने देखा आज तो मेरी कुटिया में आग लग गई, धन्य है रे भगवान, बारे मेरा पांडुरंगा हरि विट्ठल, गजब करा तूने, आज अग्नि के रूप में आ गया, वारे प्रभु वाह। नामदेव जी से लोगों ने काम ने इतना सामान बचा लिया, नामदेव जी बोले काय को बचाया, भगवान आए थे दे दो, लाओ दे, गद्दा भी पटक दिया, चटाई भी पटक दी, रजाई भी पटक दी। गांव के लोगों ने सोचा अपन ने तो बचाया, बताओ इसको देखो तो सरी, पूरा आग ही में पटक दिया, अगली बार लगने दे आग, अपन एक चीज नहीं बचा, और एक गांव का लोग इसको ओढ़ने के लिए कुछ मत देना, ठंड का समय है, ठंड में मर जाएगा अपने आप। नामदेव जी आग ही लगी, कुकड़ते कुकड़ते सो रहे हैं, गांव के लोगों ने कहा एक रात सोएगा ना बिना रजाई गद्दा के, मरीज जाएगा, मत दो एक भी। गांव के लोगों ने दिया ही नहीं, सब चले गए, इसको सबक देना जरूरी है। नामदेव जी रात को सोए, भगवान ने सोचा अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन करा इस नामदेव ने, मेरा भगत है, ऐसा ठंड में उकड़ उकड़ के मर जाए क्या मतलब। भगवान रात को आके